नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूं अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता सभी भावना का। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी के। सवारी वाले जो भक्त होते हैं उसका शरीर सारा दिन या सारी रात क्यों कांपता रहता है? सवारी वाले भक्त पर सवारी का जोर और उसके शरीर का कांपना। वो जब बेड पे भी लेटता है तो उसको लगता है उसकी खाट हिल रही है या खाट पे लेट रहा है तब भी उसको कांपना, ऐसा क्यों महसूस होता है उसको? तो सर्वप्रथम एक निवेदन रहता है आपको, वो बोलते ना कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। तीन और चैनल है, गुरु गोपना शिव गुरु क्षणा जासी सिद्ध। बाकी की डिटेल जितनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और आपने किसी प्रकार का कार्य कराना, भूत प्रेत है जो आपके ऊपर बंधन है, किसी प्रकार का कोई चीज़ लग रही है, तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आप नहीं देना होता। उसके अलावा जहाँ पे जितनी किराए दी जाती है किसी धर्म मजहब का मजाक उड़ाने के लिए दी जाती है, समझाने के लिए देती है, ज्ञान लेना आपने उनको समझना और गुरु स्नेध में इन चीज़ों का प्रयोग करना। गुरु नहीं है तो इन चीज़ों का प्रयोग आपने नहीं करना है। गुरु मंत्र भाई मैसेज मत करा करो, गुरु मंत्र फ़ोन पे नहीं मिलता है, ऐसे नहीं दिया जाता है। और जो लोग बोलते हैं गुरु मंत्र लेना और ऑन द स्पॉट मैसेज करके बताओ कब मिलना, कोई समय होता है हर एक चीज़ का, ऐसे बिना कभी भी नहीं भी कभी मुंह उठाया अपनी मर्जी से दे दिया। देना सतगुरु ने पीछे से जो ज्ञान देना होता है। और बाकी कोई भी चीज़ कोई भी कर्म करना गुरु स्निधि में करना है। और मेरे द्वारा दिए गए कर्म करने हैं तो पहले भोग प्रसाद लगवाना, मेरे धुने पे अपनी फोटो आईडी बाद में भेजनी है, फिर उसका मैं आदेश करूँगा, फिर आपने उन चीज़ों का प्रयोग करना, ऐसे आपने प्रयोग नहीं करना है। और अथवा इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरा गुरु को चेला को गुरु नहीं, किसी के झांसे में नहीं फंसना है। और सबसे ज़्यादा लाइव इसी चैनल पे आता हूँ, चार चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गुरु कृष्णौर जासी, सन्नीनाथ। और कोई किसी प्रकार की सी सामग्री लेनी है तो वीडियो देख लेना, जो उसका प्राइज़ है वो देना पड़ेगा, उसके बाद बाई कोरियर 7 से 10 दिनों में चीज़ भेज दी जाती है सिद्ध करके। तो शरीर वाले वो होते ना जिस भक्त के ऊपर शरीर के ऊपर बड़ा जोर पड़ता है, सवारी आती है उसको ऐसा क्यों महसूस होता है? सवारी वाले भक्त के ऊपर एकदम से चौंकी का असर रहता है, वो सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, तो उसका शरीर क्यों कांपता रहता है? खाट पे भी लेटता है तो उसको लगता है खाट कांप रही है, मंजे पे लेटे तो मंजा का बोलते कांप रहा है, बेड पे लेटे तो बेड कांप रहा है, चेयर पे बैठता है तो चेयर कांप रही है, इसका उसको लगता है कि धरती हिल रही है। लेकिन बाकायदा ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है कि जब भक्ति और कर्म करता है, जब और देवता जो है वो 24 आवर, जब देवता के वचन, जब देवता ने आपके ऊपर कृपा कर दी, सवारी ले ला, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आपके बॉडी के अंदर ही रहती हैं। ये बोलने की बात है कि देवता आपको छोड़ के चला जाता कुछ टाइम के लिए सवारी, लेकिन देवता हमेशा ही आपके शरीर के अंदर वास करता है, 24 आवर्स ही उसका पैरा होता है आप लोगों के ऊपर। और जैसे ही आप भजन सुनते हो या कीर्तन सुनते हो, उनका नाम स्मरण करते हो, जब शुरू कर देते हो, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर उनकी कृपा होनी चालू हो जाती है और वो आपके ऊपर आके जो है अपना जवाब यानी कि दबाव बोलते हैं, जोर पड़ना आपके ऊपर चालू हो जाता है। किन कंडीशनों में होता है? जब कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ होनी होती है, अथवा जब कोई आपके ओरे में घुसने लगता है, किसी के द्वारा जब आपको गुस्सा दिलाया जाता है, अथवा किसी के द्वारा जब देवताओं के बारे में कुछ गलत बात बोली जाती है, या फिर कहीं पर गलत हो रहा है, वहाँ पे देवता कभी भी चुप और शांत नहीं बैठता, ऑटोमेटिकली ही सवारी आती है, ऑटोमेटिकली शरीर का कांपना शुरू हो जाता है और आवासी आती है, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और देवता मुख से कोई ना कोई शब्द निकालने लग जाता है, कुछ भी बोलने लग जाता है, यानी जिस बंदे के ऊपर सवारी चौंकी आती है वो कोई भी वचन निकालने लग जाता है। ये सारा होना स्वाभाविक है और ये सारा होना आपके ऊपर देवता की प्रचंड कृपा अथवा उसका आशीर्वाद होना ही होता है। सवारी हर किसी के ऊपर नहीं पड़ती है, सवारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जैसे आपके कुल में चल रही है, आपके गद्दी लगती है, उस गद्दी से दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र हुई, तीसरे के ऊपर ट्रांसफ़र हुई, ऐसा होता है इन कंडीशन में। सवारी वाला जो भक्त है उसके शरीर पे सारी दिन और रात में ही उसका वजन रहता है, उसका भार रहता है, क्योंकि देवता हमेशा उसके कंधों के ऊपर बैठा रहता है। और सवारी आने के बाद अथवा पूजा करने के बाद भक्त को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका शरीर टूट गया है, किसी ने डंडों से पीटा हो। ये सारा कारण होता है कि भक्ता ने जो कर्म करा हुआ है, जो कर्म उसने निभाया है, उस कर्म के अकॉर्डिंगली जो उसने भक्ति कर्म कमाया और देवता की जो उसने प्रचंड कृपा पाई है, तो देवता ने पूर्ण रूप से उसके ऊपर अपना पैरा छोड़ा हुआ है। इस केस में क्या होता है कि जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव बंदे के नज़दीक भी बैठते हो तो भी सवारी आपको आएगी, आप किसी की गद्दी पे जाते हो तो भी आपको सवारी आएगी, किसी मंदिर तीर्थ स्थान में बैठते हो तो भी बॉडी के ऊपर झटका लगना ही लगना है। उसके अलावा इसका कारण क्या होता है कि जब कभी भी आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, कर्म करते हो, कर्म कमाने के बाद जब आप किसी भी देवता के वो बोलते हैं ना कि मंदिर में जाते हो,
तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस देवता की इबादत करते हो और किन के मंदिर में जा रहे हो। जैसे मान लो सतगुरु माजी गुरु अरुणा जी का धूना लग रहा है और सेवा में आप उनके चेलों की पूजा करते हैं या 84 सिद्धों में से किसी नाथ की पूजा करते हैं, तो जाहिर सी बात है गुरु गोरखनाथ जी का धूना अगर चेतन है तो उस धूने की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि ऑटोमेटिकली ही जिसके ऊपर सवारी होती है वो बंदा खेलना चालू कर देता है। ये सारा एक तरह से प्रतीक बोल सकते हैं, एक तरह से आपकी भक्ति का कर्म बोल सकते हैं, जो आपने कर्म कमाया हुआ है और आपके ऊपर देवता की प्रचंड कृपा होती है, कृपा होने के साथ होता है, इसमें नेगेटिव दोष कोई नहीं है। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेतों की सवारी आती है तो उसके सिम्टम्स ही अलग होते हैं, वो अलग सिस्टम होता है, लेकिन देवता के केस में ऐसा नहीं होता है। देवता हल्का हल्का वाइब्रेशन तब देता है जब आप उनके नाम के भजन सुनते हो, उनके नाम का गुणगान गाते हो या उनके नाम की आप कुछ भी करते हो, आराधना करते हो, उस कंडीशन में ही आपको झटका पड़ता है। चाहे आप लेटे करते हो, बैठे करते हो, टॉयलेट सीट पर करो, कहीं पर भी करो, झटका आपको 110% पड़ता है, क्योंकि आपने उतना कर्म कमा लिया है। सो होपफुली मेरी तरह दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। बाकी की सारी सर्विस पेड है, अथवा विदाउट परमिशन कॉल मत करना, मैसेज करो, जब रिप्लाई आएगा तब बात करना।